बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई अभी उठा हुआ ऑर्डर से 6:30 हो गए टाइम, अभी उठ के निकला है, जस्ट चाय पी के। और तो बोला था 5 बजे के लिए, 6 बजे ले गया उसने, अभी निकला हूँ। और पीछे अपनी गाड़ी और आ गई थी, तो अब चल रहे दोनों साथ साथ, आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस चेक करो, वो चल रही पीछे पीछे, वो देखो दिख रही है। आज रुकूंगा तो बताऊंगा मैं कौन सी गाड़ी है। तो भाई ये है घोड़ा, पहुंचने वाला है यहाँ पर। और भाई 9 बज चुकी है, ये देखो फिर भी मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। 9 बजे भाई, आज धूप नहीं निकली अभी तक, एकदम पहाड़ियों के अंदर चल रहे हैं अभी। वाओ क्या सीन है। तो गाइस चेक करो भाई, सामने गाड़ी कैसी पलटी है भाई, कितनी पूरी तरह भाई। भाई सामने बस में देखो लगेज कितना है, बस नहीं ट्रक बना रखी है इसको भी। पर बस में इतना लगे इतना, तो गाइस हो गई ये गाड़ी और साथ में पीछे वो खड़ी मेरे बड़े भैया। तो गाइस हम घूम गए शिवपुरी से झांसी वाले रोड पे, यहाँ से पड़ती झांसी 108 किलोमीटर पर आपका किलोमीटर 108। तो गाड़ी भी चल रही है पीछे पीछे, हम आ गए आ गए। तो भाई चेक करो भाई, पहाड़ भी देखो भैया, देखो भाई शादी फ्रिज अभी है क्या है? आज माता जी विसर्जन है ना, इसीलिए देखो भाई मैं जब इतना जाम का लग रहा है। इधर रोड क्यों बंद है, सॉरी जाम नहीं, इधर रोड क्यों बंद है, माता जी विसर्जन है। वाह यार बहुत बड़ी नदी है तो। तो भाई आगे टायर में लग गया नट बोल्ट, टायर वायर खाना खड़े निकल गए यहाँ से। आज पूरा दिन हो गया, मौसम इतना बढ़िया ठंडा है, धूप निकलने का कोई काम नहीं होगा।
बिल्कुल कही दो तो भाई हम आ गए झांसी। वो झांसी से इधर घूमे फिर इधर भी रोड भी बढ़िया है पूरा। ठीक है रेलवे लाइन है उसने छोटी सी नदी ले यार रेलवे लाइन की रोड भी पूरा बढ़िया है और ये पूरी सामने झांसी। ये अपना झांसी कानपुर वाला रोड और ये हो गया निकलता कानपुर। तो भाई चल रहे हैं अभी अभी इसी रोड पे झांसी कानपुर वाले पे। तो भाई सामने आगे चल रही है अपनी गाड़ी साथ साथ उसमें लोड है कानपुर की। तो उसमें सिस्टम है डबल टंकी है डबल टंकी है उसमें डीजल उधर से उधर लाने के लिए क्या मोटर सिस्टम है नहीं कहीं कंपनी का सिस्टम वाल वाला सिस्टम है तो पता नहीं चलता कि भाई वाल भी चालू करके डीजल आ नहीं रहा है इधर। तो वैसे मोटर सिस्टम है क्या है पता नहीं चला उसमें लगा नहीं उसमें 70-80 लीटर डीजल उधर कंडक्टर साइड वाली टंकी में है इधर लेने की कोशिश कर नहीं आ रहा तो इसीलिए अभी थोड़ी देर खड़ी भी करी इधर जो साइड में झुका के खड़ी करी कोई पार्क नहीं दिखा है। देखो क्या फर्क उसका अभी वाल चालू करके और चल ही रहे हैं भाई पता चलेगा भाई डीजल ऑटोमेटिक आता है गाड़ी चलने पर आता है जैसे क्या आता है ये होगा नहीं कौन से डीजल लेंगे उसमें अभी चल रहा है भाई इसीलिए इसको आगे आगे चल रही है मैंने कहा आगे आगे चलो भाई पता चले डीजल का क्या है तो भाई टाइम हो गया 6 बज गई है और अभी हम पहुंचने वाले हैं और ही हमारा गाड़ी कल खाली होगी नहीं क्योंकि कल संडे है आज दशहरा है तो कल संडे खाली होगी नहीं इसी वजह से भाई हम आराम आराम से जा रहे हैं। वैसे हम आराम से जाते हैं फिर भी और आराम से जा रहे हैं और भाई इस रोड पर गिट्टी वाले गाड़ी डम टेलर है डंपर है इतने चलते पहुँचो मत पूरी ओवरलोड ही ओवरलोड सब ओवरलोड कोई रोक टोक नहीं है ऐसा। अपनी गाड़ी वो आगे जा रही बहुत आगे चल रही है एकदम तो गई हम आ गए यहाँ कानपुर से 40 किलोमीटर पहले ये पंप है यहाँ अपना खाता है पंप है और यहीं खड़े हो गए भाई कल संडे है तो खाली होगी नहीं इसी वजह से यहीं खड़े हैं। एक गाड़ी उधर खड़ी वो उसके पीछे साइड वो खड़ी स्टैंकर के पीछे इसी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। तो भाई करते हैं यहीं आराम खाना वाना खा के अभी जैसे जाके हम आज की वीडियो कर देंगे इस वक्त। गुड नाइट बाय बाय टाटा।